देश में वैक्सीनेशन का अभियान तेजी से चल रहा है, जिसका प्रमाण आज मुरादाबाद स्थित थाना मुगलपुरा क्षेत्र स्थित हम सफर शादी हॉल के पास देखने को मिला, जहां दिव्यांग सेवा समिति के अध्यक्ष मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में कई दिव्यांगों को वैक्सीनेशन किया गया। इस मौके पर ACMO दीपक वर्मा अपने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। इससे उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगवाई, साथ ही अपील की कि जिन लोगों ने यह वैक्सीन नहीं लगवाई है वे जल्दी वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि यह राष्ट्र हित में है और कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने में मददगार साबित हो रही है। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही, इसलिए जल्द ही जो लोग रह गए हैं वे वैक्सीनेशन करवा लें ताकि उनके और समाज के हित में हो सके। इस मौके पर मोहम्मद कासिम, रफत खान, अनवर हुसैन, इलियास हुसैन, नसरू अंसारी, आलम शहजाद अंसारी, बाबर रफीक, जहां कमर, निशाद तवस्सुम, नाजिया खान आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। मैं यहाँ कोविड शील्ड आज लगी है हम लोगों के दिव्यांग लोगों के साथ ही इकट्ठे लोग थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ लोग कोविड शील्ड नहीं लगवा पा रहे दिव्यांग लोग, वो प्लीज़ अपना अपना वैक्सीनेशन करा लें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके फायदे के लिए। फायदे के बाद मैं अपने खत्म कर रहा हूँ सर। ये आज प्रोग्राम हमारी जो ABHITAK है उसके अंतर्गत यहाँ पे एक कैंप प्रोग्राम भी आयोजित किया गया है, जो हमारे फील्ड पर नहीं आ सकते हैं टीका लगवाने के लिए। तो हम कोशिश करते हैं कि उनके जहाँ भी वो घर हो या जहाँ भी उनका संस्थान हो उसके आसपास जाकर के उनको टीका लगाया जाए। उसी के अंतर्गत हमने आज यहाँ पे कैंप लगाया है और यहाँ पे वैक्सीनेशन चल रहा है। डॉक्टर सिंह इसको देख रहे हैं और मूवी चल रहा है, यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम लोगों को आज टीका लग जाए।